मौसम खुला हुआ है दोस्तों, हम सोनमर्ग से निकल चुके हैं। ये देखिए क्या बड़े बड़े पहाड़ हैं, एक नंबर नज़ारा दोस्तों सामने का। वो देखिए पहाड़ किस तरह का निकला हुआ है, पहाड़ की चोटी देखिए और नीचे का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त। तो दोस्तों अभी हमारे सामने एक माइलस्टोन बोर्ड आ चुका है, उसमें बता रहा है कि लेह है 341 किलोमीटर्स, कारगिल है 115 किलोमीटर दोस्तों, और द्रास है 58 किलोमीटर्स। सो बस अभी हम बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। यहाँ पे जोजिला टनल प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों, उसका काम चल रहा है अभी। अभी आने वाले समय में यह जोजिला टनल बन जाएगा तो फिर हम पुराने वाले जोजिला जगह से जाएंगे ही नहीं, फिर हम टनल के अंदर से जाया करेंगे, उससे हमारा वक्त बचेगा और डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इस ब्रिज का नाम है दोस्तों कोकारन ब्रिज। क्या शानदार नज़ारा है दोस्तों सामने का, हम वहीं से होकर आए हैं अभी। यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों यहाँ का, एक नंबर। देखिए कितना खूबसूरत है दोस्तों। यहाँ मंदिर है, शिव मंदिर है, जोजिला टाइगर के नाम से, मेंटेन्ड बाय 456 RMPL GREF, भगवान शिव जी का। ये देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, क्या खतरनाक और खूबसूरत रोड है दोस्तों। नीचे खाई भी है दोस्तों, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपके गुर्दे मुंह में आ सकते हैं। कैप्टन मोड हमने भी पार कर लिया है और ये देखिए क्या खूबसूरत डिज़ाइन का ये पत्थर है। आने वाले समय में दोस्तों सुरंग बन के तैयार हो जाएगी तो फिर हम यहाँ से जाना मुमकिन नहीं हो पाएगा दोस्तों। सो अभी हम लोग लकी हैं कि हम लोग यहाँ आए हैं और हम जोजिला पास को पार करेंगे दोस्तों। ये है दोस्तों जोजिला पास, हम पहुँच चुके हैं, बढ़िया। तो दोस्तों हमने जोजिला पास तो पार कर लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं ज़ीरो पॉइंट की तरफ। तो सामने वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, पहाड़ के ऊपर जमी हुई है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। शॉप से दोस्तों यहाँ आप चाय पी सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर नज़ारा। माइलस्टोन बोर्ड जिस पर लिखा हुआ है जोजिला पास 11,639 फीट की ऊंचाई पर है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है यहाँ पे जोजिला पास का बोर्ड जो कि स्थित है 11,639 फीट की ऊंचाई पर। वो हो रही मेरी बाइक दोस्तों, कुछ लोग अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं दोस्तों। यहाँ राइट साइड में हमारे है प्राचीन शिव मंदिर है और एक बैटल टैंक खड़ा हुआ है यहाँ पे। और दोस्तों इस जगह का नाम है गुमड़ी और लेफ्ट साइड में है गुमड़ी कैफ़े, गुमड़ी कैफ़े। और ये देखिए दोस्तों यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा, ये वॉर मेमोरियल है दोस्तों, हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि, जोजिला वॉर मेमोरियल है दोस्तों। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। मैं इस वक्त जोजिला पास को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, ज़ीरो पॉइंट को क्रॉस करके द्रास की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों, द्रास, उसके बाद आएगा कारगिल। बहुत ज़बरदस्त नीचे का नज़ारा, और ये देखिए नीचे रोड सामने हमारे, पूरी रोड यहाँ से दोस्तों ऐसे घूम करके नीचे जाएंगे हम अभी। द्रास 25 किलोमीटर है, कारगिल 84 है दोस्तों, और ले 313 किलोमीटर है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारे साइड में बहुत तेज़ नदी बह रही है यहाँ पे। दोस्तों हम लोग मटियान नाम के गांव में आ चुके हैं और यहाँ पे है दोस्तों अटारी होटल, बहुत ही शानदार व्यू है दोस्तों यहाँ से, ये देखिए। दोस्तों इस वक्त हम लोग जोजिला पास पूरा पार करते हुए द्रास की ओर जा रहे थे और ये रास्ते में हमें पेट्रोल पंप पड़ा है जो कि इकलौता पेट्रोल पंप है, नमटास फिलिंग स्टेशन। ये देखिए ये है द्रास ब्रिज और ये देखिए नदी का नज़ारा, बहुत शानदार। दोस्तों हम लोग द्रास पहुंच चुके हैं, ये है द्रास टाउन,
ड्रास दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट कोल्डेस्ट प्लेस है दोस्तों। वी आर क्रॉसिंग द ड्रास नाउ। दोस्तों यहाँ भी काफ़ी सारी रुकने की अकोमोडेशन हैं, व्यवस्था है दोस्तों। ड्रास टाउन क्रॉस कर दिया है दोस्तों। दोस्तों कारगिल रह गया 58 किलोमीटर, ले 283 किलोमीटर। लेफ्ट साइड में हमारे इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प है दोस्तों। कारगिल में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 3 पेट्रोल पम्प हैं, 2 इंडियन ऑयल के और 1 HP का। दोस्तों ये है कारगिल टाउन, और कारगिल टाउन के अंदर यहाँ का लोकल मार्केट। और दोस्तों लेफ्ट साइड में नदी बह रही है दोस्तों। एक बाल ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम लोग कारगिल से ले की तरफ जाते हुए लमायूरू, 106 किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ से ले है 225। पहले दोस्तों मलबैग नाम की जगह आएगी, लमायूरू तो खैर बहुत बाद में है, 105 किलोमीटर दूर है वो यहाँ से। तो दोस्तों मलबैग नाम की जगह 36 किलोमीटर की दूरी पर है, लमायूरू 99 है दोस्तों। ले 222 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।